हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बौद्ध धर्म के बारे में होने वाला है। काफ़ी रैपिड रिवीजन हम बौद्ध धर्म का यहाँ पे कर लेते हैं। आप यदि इस तरह से नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से नोट्स बना करके पढ़ने में बहुत ईजिली हम याद रख पाते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्स में से सिलेबस के तौर पर हटा दिया गया है और कुछ में ये अभी भी आता है। तो बात कर लेते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले ईजीशा 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है वो ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, पुत्र का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म है वो कपिलवस्तु में हुआ था 1563 BC को। सुदोधन उनके पिता का नाम था जो कपिलवस्तु के शासक थे। चाहते तो गौतम बुद्ध बहुत अच्छा एक शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो ना उन्हें राजपाट को त्याग करके और एक साधु का जीवन है वो चूज किया। अब माता का नाम महामाया था, ठीक है, और उनका जो पालन किया था वो गौतमी ने किया था, गौतमी ने, ठीक है। पत्नी का नाम था उनकी यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल। अब गौतम बुद्ध को विचलित कर देने वाले कुछ दृश्य क्यों बने, वो साधु क्यों बने, संत क्यों बने, तो उनको किस चीज़ ने विचलित कर दिया? उन्होंने वो कुछ जगह गए, कहीं पे ग्रह त्याग हो रहा था, कहीं पे जो मृत्युशैया पे लेटा हुआ आदमी जा रहा था, तो उन चीज़ों से वो विचलित हो गए, ठीक है। ग्रह त्याग को फिर बौद्ध धर्म के अंदर महान निष्क्रमण भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन आता है कि देह त्याग होता है उसको महान निष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने कहाँ से तप की विद्या सीखी? उन्होंने अनार कलाम से तप की विद्या सीखी, उपनिषदों से उन्होंने बहुम विद्या सीखी, और राजकीस के पास में, जैसे उनके पड़ोस के राज्य के पास में रुद्रक्राम का एक आदमी था, उनसे उन्होंने योग सीखा। अब बौद्ध धर्म के अंदर चार सत्य बताए गए हैं। कौन कौन से सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का वचन दिया गया है, उपदेश दिया गया है बौद्ध धर्म के अंदर। कौन कौन से? सम्यक, जो सम्यक में कौन कौन से आते हैं? दृष्टि, संकल्प, वाकु, कर्मात, आजीव, व्यायाम, स्तुति और समाधि। अब बौद्ध संघ की बात कर लेते हैं। स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जैसे मैंने बताया, भिक्षु सन्यासी जीवन का था उनका, और ग्रस्त होकर के धर्म का अनुपालन किया, अधिकारी थे, ठीक है। अधिकारी इसमें कौन कौन है? निर्माण होते हैं, खाद्य होते हैं, क्रय होते हैं, वस्त्रागार होते हैं, ठीक है। ये इसमें अधिकारियों की उपाधि होती है बौद्ध धर्म के अंदर। अब उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, कहाँ पे? उरुबेला में मोहना निरंजना के संगम पर, ठीक है। सुस्त्रा ने खीर खिलाकर उनका व्रत तोड़ा गया। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको 49वें दिन मोक्ष समाधि के 49वें दिन उनको सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुबेला का यह क्षेत्र बोध गया के नाम से जाना गया और सिद्धार्थ है वहां पे बुद्ध कहलाए। उनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ का प्रथम उपदेश था। उसके बाद उरुबेला उनके कश्यप गोत्र का एक शिष्य था, राजगीर थे उसके, बिंदुसार बेलुवन शिष्य थे, कपिलवस्तु बुद्ध परिवार शिष्य थे उनके, वैशाली गौतमी त्रिवज्जा संघ प्रमुख थे। अब ये सब बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अब आगे आने वाली बातें इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी बार इसके अंदर ये सब पूछा जाता है, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म के अंदर महान निष्क्रमण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन था, और देहवासन महापरिनिर्वाण था। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, ग्रह त्याग को महान निष्क्रमण बौद्ध धर्म के अंदर कहा गया है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा गया है, प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा गया है, और देहवासन को क्या कहा गया है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, जो जन्म है वो कमल में होता है, गर्भ हाथी, यौवन शांत, ग्रह त्याग घोड़ा, प्रथम उपदेश चक्र कहलाता है, ज्ञान बोधि वृक्ष समृद्धि इसका शेर का चिन्ह होता है, निर्माण पद चिन्ह का होता है, और मृत्यु स्तूप के अंदर होती है। यह है बौद्ध धर्म का कंप्लीट वीडियो। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।